हेलो फ्रेंड, तो स्वागत है आपका विजन एस कंप्यूटर एजुकेशन में। कल हमने कुछ मॉड्यूल्स देखे थे, आज इस मॉड्यूल्स को एक एक करके हम यहाँ पे पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम इस मॉड्यूल्स की जानकारी लेंगे कि जो जो हम पढ़ने वाले हैं, इसमें हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर है, CPU कंपोनेंट है, असेंबलिंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट है, BIOS है, CMOS है, इंस्टॉलेशन ऑफ OS एंड हैंडलिंग वायरस है, नेटवर्किंग बेसिक है और IP सेटिंग ऑफ कंप्यूटर लैन, ये सभी के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे पहले कोर्स की तरफ, पहले पार्ट की तरफ, जिसमें आज हम पढ़ेंगे द ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। सो कंप्यूटर की ब्लॉक डायग्राम क्या होती है? कंप्यूटर की ब्लॉक डायग्राम, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये है कंप्यूटर की ब्लॉक डायग्राम, जिसके अंदर हमारा इनपुट डिवाइस ये हमारे CPU से कनेक्टेड होता है और CPU से हमारे आउटपुट डिवाइस भी कनेक्टेड रहते हैं। हम जिसको देख रहे हैं ये हमारे ब्लॉक डायग्राम को, ये एक टोटली कंप्यूटर सिस्टम है जिसमें हमारे कुछ इनपुट डिवाइस कनेक्टेड होते हैं और आउटपुट डिवाइस कनेक्टेड होते हैं, जिसमें कीबोर्ड, माउस और अदर इनपुट डिवाइस भी यहाँ पे क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। ये क्या करते हैं, जिस तरह से देखेंगे कि हमारे जो इनपुट डिवाइस है, ये इनपुट डिवाइस कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, जिस ऑपरेशन को हम IPO कहलाते हैं या IPU कहते हैं। IPU मतलब जिसमें इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट, जहाँ से कुछ इनपुट जाता है उस पर कुछ प्रोसेस होती है और उसके बाद में हमें कुछ आउटपुट मिलता है। जिस तरह से हम देखेंगे कि यहाँ पे कुछ इनपुट डिवाइस हमें दिख रहा है, जैसा हमारा कीबोर्ड यहाँ पे हमारा इनपुट डिवाइस है, ये कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, कुछ कमांड पास करेगा, ये कमांड हमारे प्रोसेसर के पास में जाएगी और प्रोसेसर इस कमांड को आउटपुट डिवाइस की तरफ भेजेगा। मतलब जो इनपुट डिवाइस जो कमांड देगा, वो कमांड सबसे पहले प्रोसेसर के पास में जाएगी और प्रोसेसर इस कमांड को आउटपुट डिवाइस के पास में देगा, जिससे ये टोटली प्रोसेस फॉलो होती है। इसी प्रोसेस को हम IPO भी कहते हैं। IPO मींस इनपुट, P फॉर प्रोसेसिंग और O फॉर आउटपुट। IPO प्रोसेस जो फॉलो होती है, इस प्रोसेस को हम IPO कहते हैं, जहां से इनपुट डिवाइस जो जाता है या इनपुट कमांड जो जाती है वो प्रोसेसर के पास में जाती है और प्रोसेसर उसी कमांड को आउटपुट डिवाइस से कम्युनिकेट करता है और उसे कुछ है। जैसे कि मुझे अगर कुछ प्रिंट करना हो तो मैं क्या करूँगा, मेरे कीबोर्ड पर से Ctrl+P दबा के एक कमांड पास करूँगा, जो कि कमांड प्रोसेसर के पास में जाएगी और प्रोसेसर जो हमारा आउटपुट डिवाइस है, जो इस डिवाइस है जिस डिवाइस से प्रिंट आउट निकलती है, वो हमारा आउटपुट डिवाइस हो गया, उस आउटपुट डिवाइस को ये कमांड पास करेगा और फिर बाद में वो आउटपुट डिवाइस मिलने वाली कमांड को परफॉर्म करेगा और हमें कुछ रिजल्ट देगा। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं दोस्तों, IPO कहते हैं, जहां से इनपुट कमांड पास होती है प्रोसेसिंग के लिए और प्रोसेसर उस कमांड को आगे भेजता है आउटपुट कुछ रिजल्ट के लिए, जिसमें आउटपुट डिवाइस में हमारे मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर्स और अदर आउटपुट डिवाइस कनेक्टेड होते हैं। इनकेस कभी कभी क्या होता है कि हमें अगर प्रिंट आउट नहीं भी निकालना है तो हम इस प्रोसेसर को हम इस टास्क को कहीं सेव करके रखते हैं। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे CPU से हमारी मेमोरी कनेक्टेड है। अगर हमारे इनपुट डिवाइस जो होगा, उस इनपुट डिवाइस को अगर हमें सामने नहीं भेजना है या उसे आउटपुट रिजल्ट नहीं चाहिए, तो हम इसे क्या कर सकते हैं, हमारे मेमोरी में सेव भी कर सकते हैं। इस तरह के जो फंक्शंस यहाँ पे हम देखे जा रहे हैं कि ये हमारे ब्लॉक डायग्राम से हम इजीली देख सकते हैं या इजीली समझ सकते हैं। तो इसी तरह से हमारी हर एक परफॉर्मेंस होती है, इनपुट डिवाइस से हम कुछ कमांड पास करते हैं, ये कमांड हमारे CPU तक जाती है और CPU इस कमांड को सामने भेजता है। इस तरह से हमारी एक IPO प्रोसेस पूरी होती है। ये आपकी कंप्यूटर की ब्लॉक डायग्राम है, जिसमें हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइस कनेक्टेड है, विद मेमोरी कनेक्टेड है। अगर हमें कुछ डाटा स्टोर करके रखना है तो वो हम हमारे मेमोरी में भी स्टोर करके रख सकते हैं। तो दोस्तों, नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कंप्यूटर के कुछ मेन पार्ट्स, कंप्यूटर के कुछ डिवाइस, जिसमें हमारे इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस क्या होता है, इसकी जानकारी लेंगे। तो सब्सक्राइब करिए द विजन एस कंप्यूटर एजुकेशन और अपने कंप्यूटर नॉलेज को ऐसे ही बढ़ाते रहिए।